जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में पिछले कुछ दिनों से प्रतिदिन 3 से 4 गले में सूजन रोग से पीड़ित मरीज सामने आ रहे हैं। इन दिनों चल रहे उक्त वायरल को लेकर चिकित्सालय प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। हाल में अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित बच्चे सामने आए हैं। इस वायरल में संक्रमण की आशंका रहती है। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में पिछले कुछ दिनों से गले में सूजन के मरीज सामने आ रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोहर सिंह चंदावत ने बताया कि इन बच्चों की ओपीडी में स्वास्थ्य की जांच कर दवा दी जा रही है। हालांकि अब तक मरीजों की संख्या बड़ी नहीं है, लेकिन प्रतिदिन पीड़ित आ रहे हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। ऐसे में बदलते मौसम में सावधानी आवश्यक है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी मफ्स के रोगी सामने आए हैं। अस्पताल में आने वाले गले में सूजन के रोगियों के शहर के अलावा आसपास के गांव से भी पीड़ित उपचार करवाने आ रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार गले में सूजन रोग के लक्षण वायरस की चपेट में आने के 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई देते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। वही कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें हल्के लक्षण दिखाई देते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों में दबी हुई भूख, मांसपेशियों में दर्द, सलाइवरी ग्लैंड में सूजन, भयंकर सिर दर्द, तेज बुखार, सीजर्स, पेट में दर्द, गर्दन में अकड़न, उल्टी, मुंह का सूखना, भोजन निगलते समय दर्द होना व जोड़ों का दर्द आदि शामिल है। चिकित्सकों के अनुसार गले में सूजन एक संक्रामक रोग है जो वायरस के कारण होता है, जो सलाइवा, नजल सेक्रेशन और करीबी व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ये स्थिति मुख्य रूप से सलाइवरी ग्लैंड को प्रभावित करती है, जिन्हें पैरोटिड ग्लैंड भी कहा जाता है। ये ग्लैंड सलाइवा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है। आपके चेहरे के प्रत्येक तरफ सलाइवर ग्लैंड के 3 सेट होते हैं, जो आपके कानों के पीछे और नीचे स्थित होते हैं। गले में सूजन रोग का प्रमुख लक्षण सलाइवरी ग्लैंड्स की सूजन है। मफ्स से बचाव के लिए बीन्स को आहार में शामिल करना चाहिए, साथ ही तरल खाद्य पदार्थ सहित फलों और हरी पत्तेदार सब्जियों का अधिकाधिक सेवन करना चाहिए। इन दिनों छोटे बच्चों में और बड़े बच्चों में मम्स की बीमारी चल रही, जो एक्यूट पेरिटोनाइटिस बोलते हैं उसको, वो वायरल इन्फेक्शन होता है। उसमें यदि बच्चे को शुरू में 9 मंथ पे और 15 मंथ में MMR का यदि टीका लगवाते हैं तो वो इन्फेक्शन नहीं होता है। जिन्होंने टीका नहीं लगवाया उनको इन्फेक्शन होने की पूर्णतः संभावना रहती है, और एक बच्चे से दूसरे बच्चे में ये जल्दी से फैलता है। घर में एक मेंबर से दूसरे मेंबर को और गाँव में भी एक से दूसरे को जल्दी फैलता है। इसका समय रहते डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि प्रॉपर इलाज हो सके और बच्चे की स्थिति नहीं बिगड़े। इसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है।